Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक न्यूज़ YouTube चैनल में। दोस्तों यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों आज आपका कमेंट्स को लेकर दोस्तों, ठीक है। आपका उनसे था दोस्तों पिन अनेबल ZC दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। पिन अनेबल ZC का मतलब क्या है दोस्तों, इसका सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्यों आता है दोस्तों, ये हम जानने बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये जानने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊंगा कि दोस्तों मेरे एक आपको एक लाइक से दोस्तों मेरे को बिल्कुल उत्साह मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने है दोस्तों बॉर्डर का DCP-L2540DW मॉडल का प्रिंटर है, और इस तरह से दोस्तों बॉर्डर का DCP-2520DW और 2535 इस तरह से दोस्तों, और बहुत सारे मॉडल से दोस्तों, ये सभी मॉडल में ये बिल्कुल काम आएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पिन अनेबल ZC क्यों दिखाता है और किसके वजह से ये दिखाता है दोस्तों, ठीक है। ये प्रॉब्लम किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको बिल्कुल सोल्यूशन दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना दोस्तों, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर यह हमारा प्रिंटर है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँ बताऊंगा कि दोस्तों जब दोस्तों आपका प्रिंटर में दोस्तों वोल्टेज अप डाउन होगा और इंटरप्टेबल वोल्टेज आएगा, आपका पावर जिस तरह से आएगा दोस्तों, तो उस टाइम में दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम बिल्कुल जरूर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको प्रयोग यूज करना होगा दोस्तों स्टेबलाइजर है दोस्तों, पावर सप्लाई, वोल्टगार्ड, स्टेबलाइजर इस तरह, और UPS दोस्तों इस तरह का इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो मेन पावर है वहाँ पर पावर सॉकेट है वहाँ पर अच्छी तरह से बिल्कुल अनस्टेबल पावर सप्लाई होने की वजह से इस तरह से का एरर आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पर और पावर सब कुछ ठीक करने के बाद ही इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम क्या करें दोस्तों, ठीक है। इसको जवाब मैं यहाँ पर दूंगा दोस्तों। दोस्तों उस टाइम में सबसे पहले हमें इसको देखना होगा दोस्तों इसका पावर सप्लाई दोस्तों, ठीक है। पावर सप्लाई अभी तक मैं आपको जानकारी के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों पावर सप्लाई को यहाँ पर देखना होगा दोस्तों, ठीक है। पावर सप्लाई की वजह से यहाँ पर ये एरर आता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर खोल दिया। इतने खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर जब पावर अनस्टेबल होता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा झटका पावर सप्लाई में जाता है दोस्तों, ठीक है। पावर सप्लाई में झटका जाता है तो पावर सप्लाई क्या होता है, पावर सप्लाई का बिल्कुल सब कुछ खराब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। प्री अनेबल ZC इरर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका प्रिंटर सबसे पहले तो आप करोगे टर्न ऑफ करोगे फिर से ऑन करोगे दोस्तों, ठीक है। तो उस उतने करने के बाद भी नहीं हो रहा है प्रिंट, बिल्कुल सेम रेट दिखा रहा है। तो इसको सब करना होगा दोस्तों, इस पावर सप्लाई को एक बार यहाँ से देखना होगा दोस्तों, ठीक है। इसका अभी तो मेरा पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ।
ये देखिए दोस्तों ये पावर सप्लाई हमारा, ये पावर सप्लाई में हो सकता है कि दोस्तों जब प्रिंट एनेबल जेड सी आएगा तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना होगा दोस्तों पावर को, और आपको एक बार वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्ट गार्ड अथवा आपको स्टेबलाइजर लगाकर कर देखना होगा दोस्तों, ठीक है। नहीं तो दोस्तों उतने ही भी करने के बाद नहीं होगा तो दोस्तों पावर सप्लाई चेंज करके देख सकते हैं आपको। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा फिल्टर है, ये कंडेंसर है दोस्तों, इस ये जब लीकेज होता है और प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो भी आपका प्रिंटर में प्रिंट एनेबल जेड सी ईयर आएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इतनी ही करने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये पावर सप्लाई आपको बहुत अच्छी तरह से देखना होगा दोस्तों, ठीक है। नहीं तो पावर सप्लाई को रिप्लेस कर देना, बिल्कुल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रिंट एनेबल जेड सी का ईयर यही होता है दोस्तों, इसी की वजह से आता है। आप दोस्तों आपको मैंने सब कुछ बता दिया, इतने दोस्तों आज के लिए, और बहुत सारे आपको कमेंट है दोस्तों, लेकिन मैं उसी तरह वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू आज के लिए, इतनी बिल्कुल इतने करने के बाद आपका सोल्यूशन प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।